नमस्ते स्टूडेंट, मैं बी एस उपाध्याय वेजबल फेड कंप्यूटर डिवीजन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक अकाउंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, क्योंकि स्टूडेंट आप देखते हैं कि कई सारे जो छोटे दुकानदार होते हैं, जब वो किसी माल को सप्लाई करते हैं तो बिना बिल का माल वो भेज देते हैं। बिल का मतलब चालान के माध्यम से। तो स्टूडेंट, चालान के माध्यम से यानी कंप्यूटराइज चालान, जिसको बोलते हैं रिसीप्ट नोट। तो स्टूडेंट आज हम जानेंगे टेलीप्राइम में चालान यानी रिसीप्ट नोट टेलीप्राइम में बनाने का सही तरीका क्या है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं, टेलीप्राइम में रिसीप्ट नोट यानी चालान बनाने का सही तरीका। What is the receipt note? When a receipt note क्या होता है? A receipt note voucher is used to record receipt of the goods item at storage. For example, the company received new stock item from a supplier. When the receipt note is passed, it update the inventory level. In tally, when a receipt note is tagged to the purchase entry, इन होल ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड। तो चलिए स्टूडेंट, इस डेफिनेशन का मतलब हिंदी में जाने। रिसीप्ट नोट क्या है? रसीद नोट बाउचर का उपयोग दुकानों पर माल वस्तुओं की प्राप्ति को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, कंपनी को एक आपूर्तिकर्ता से नया स्टॉक आइटम प्राप्त होता है। जब रसीद नोट प्राप्त हो जाता है तो यह इन्वेंट्री स्तरों को अपडेट कर देता है। टैली में जब एक रसीद नोट को खरीद प्रविष्टि में टैग किया जाता है तो उसे पूरा लेन देन पूरा हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, इसका इस्तेमाल हम लोग टैली प्राइम में कैसे करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, रिसीप्ट नोट की एंट्री टैली में कैसे की जाती है। तो आपके सामने मैं कंपनी बना रहा हूँ रिसीप्ट नोट के नाम से। रिसीप्ट नोट, रिसीप्ट नोट आपकी कंपनी बन गई स्टूडेंट। एंड स्टेट जैसे आप पहले चूज करते थे कंपनी बनाते, इसमें वही चीज आप चूज कर लीजिएगा। और मैं उसी नाम से कंपनी बना के सेव कर लिया स्टूडेंट। और कंपनी बनाने के बाद सीधे आप यहाँ पे देखिए, इन्वेंट्री का स्टॉक तो करना ही, इन्वेंट्री आपका रहेगा ही। पर क्या ऑप्शन, आप सेल जॉब ऑर्डर बंद कर सकते हैं, जीएसटी का कोई मतलब नहीं, ये भी आप नो कर दीजिए। एंड ऑनलाइन एक्सेस, ये सब ऑप्शन का भी कोई मतलब नहीं है, सब ऑप्शन ऑफ करके सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। और वापस आप आइएगा अकाउंटिंग वाउचर्स में, और वहाँ पे स्टूडेंट आपको किस, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कौन क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन आपके सामने ये स्टूडेंट है, एंड यहाँ पे दिया हुआ गुड्स रिसीप्ट नोट फ्रॉम द खन्ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर फॉलोइंग आइटम, ये ट्रैक नंबर दिया हुआ है। तो खन्ना इलेक्ट्रॉनिक से एक चालान पे आपके पास माल आया, पहले इसका एक रिसीप्ट नोट बनाया जाए स्टूडेंट। तो रिसीप्ट नोट बनाने के लिए हम वापस टैली में चलते हैं, और टैली में यहाँ पे F10 प्रेस करेंगे स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, F10 प्रेस करने पे आपको स्टूडेंट मिलेगा यहाँ पे, आप यहाँ पे शो इन्फेक्टिव ऑप्शन पे इंटर करिएगा, और नीचे आपको रिसीप्ट नोट बाउचर मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए लिखा है ना स्टूडेंट, रिसीप्ट नोट शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट F10 यहाँ पे इंटर करेगा और अलाउ कर दीजिएगा, यानी यस कर दीजिएगा। तो ये रिसीप्ट नोट बाउचर आपके सामने खुल जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट हमें किससे माल खरीदना है, यानी खन्ना से माल रिसीव किया जा रहा है। तो यानी ये माल चालान पे मेरे पास आया है, पहले खन्ना का लेजर बना लेते हैं। एंड खन्ना इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे खन्ना इलेक्ट्रॉनिक सेव कर लिया स्टूडेंट। एंड इंटर सेंडिकेटर्स, यानी खरीदा जा रहा है, और ये बिल बना के आपने सेव करा लिया स्टूडेंट। ओके, इंटर करते जाइएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे इंटर करके सेव करा लेगा। दूसरा आप क्या कर रहे हैं, परचेज का लीजिए बनाना है, परचेज का लीजिए बना लीजिएगा। परचेज यानी आपका रिसीप्ट नोट का मतलब माल आपके पास रिसीप्ट हो जाए, जो बाद में आपको खरीदना है, आप परचेज का लीजिए बनाएंगे, परचेज के लीजिए परचेज जाएगा और सेव करा लेंगे स्टूडेंट। स्पेस कराएंगे, और आइटम यानी क्या क्या बनाना है स्टूडेंट, अल्ट्रा सी कर लीजिएगा। और सबसे पहले आइटम हमें सैमसंग मोबाइल मेरे पास आ रहा है, 100 पीस, और एक पीस का दाम है 5400। तो यहाँ पे हम सैमसंग मोबाइल ले रहे हैं स्टूडेंट, सैमसंग मोबाइल। एंड अल्ट्रा, यहाँ पे अल्ट्रा सी से पीसेस का लेजर बना लीजिएगा और सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। इंटर कैपिस आ रहा है, यानी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप आ जाएंगे स्टूडेंट, न्यू नंबर आप क्रिएट कर लेंगे, ट्रैक नंबर डाल देंगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ ट्रैक नंबर में दिया हुआ ना, ट्रैक नंबर 100, यहाँ पे ट्रैक नंबर शॉर्ट में डाल दीजिए, इससे ट्रैकिंग हो सके आपका। एंटर,
एंटर एंड कितना पीस हमारे पास आ रहा है, 100 पीस आ रहा है स्टूडेंट, और एक पीस का दाम है 5400। एंटर एंड सेव कर लीजिएगा स्टूडेंट। एंड दूसरा आइटम क्या स्टूडेंट है, एंड सैमसंग टीवी है, ये भी K25 है, 100 पीस ये भी लिया जा रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सैमसंग टीवी लिख देते हैं हम और एंटर इन पीसेस और सेव कर लीजिएगा स्टूडेंट। एंटर एंड यहाँ पे भी न्यू नंबर अलाउ कर लीजिएगा और यहाँ पे भी टी टैक नंबर यानी शॉर्ट में टी की नंबर लिख रहा हूँ। टैक नंबर क्या है हमारा, किस नाम से स्टूडेंट, यहाँ पे भी टैक नंबर सेम है 100 रखा जा रहा है, एक ही टैक नंबर में एंटर एंड 100 पीस मंगाया जा रहा है स्टूडेंट। और एक पीस का दाम, टीवी का दाम यहाँ पे देखिए क्वांटिटी हमारा 100 पीस है और रेट यहाँ डाल लीजिए स्टूडेंट 11500 टीपी का दाम है, तो 11500 डाल लीजिए एंड सेव एंड सेव। एंटर 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 एंड सेव कर लीजिए। और ये सेव कराने के बाद अगर स्टॉक चेक करेंगे स्टूडेंट, स्टॉक में जाके देखेंगे, स्टॉक देखने के लिए स्टॉक समरी भी जाएंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ट्रक में यहाँ पे 100 पीस ये माल आपके पास रिसीव्ड हो चुका है। लेकिन ये माल आपके पास रिसीव्ड हुआ है, लेकिन अगर हम खन्ना का बिल देखना चाहते हैं, DL का खन्ना इलेक्ट्रॉनिक का बिल देखेंगे, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का अकाउंट सभी नहीं बना हुआ है, यानी कोई हिसाब में नहीं बना है। तो जब कभी कभी माल आपके पास चालान से आ जाता है तो उसको पहले रिसिप्ट नोट बना रिसिप्ट किया जाता है, उसके पास अगर पक्की बिल आती है तो फिर आप वापस जाके पक्की बिल आने के लिए F9 प्रेस करिएगा स्टूडेंट और इंटर करिएगा। किससे आ रहा है, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक का, यहाँ ट्रैक नंबर जो आपने डाला वो ट्रैक नंबर चूज कर लीजिएगा और इंटर करके सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। और वहाँ पर वो आपका टोटल का टोटल माल यहाँ पर रिसिप्ट हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए ये स्टूडेंट एंड ऐसे करके इंटर सेव कर सेव करा लेंगे इंटर सेव। आशा स्टूडेंट आपको समझ में आ गया कि रिसीप्ट नोट या चालान बनाने का सही तरीका क्या है स्टूडेंट। तो हर वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे अकाउंट लाइन में उनको काम करने में अभी और भी आसानी हो जाए। स्टूडेंट नया वीडियो पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे डिलीवरी नोट क्या होता है और डिलीवरी नोट बनाने का सही तरीका टेरी क्राइम में क्या है।